गाइस, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्लू हेवन के शिमर पाउड्स की। तो ये हैं ब्लू हेवन के शिमर पाउड्स, और शिमर पाउड्स जो हैं वो बहुत सारे ब्रांड्स के आ रहे हैं, बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल पाउड्स हैं वो हैं ब्लू हेवन के। आप सभी लोग जानते हैं ब्लू हेवन एक इंडियन ब्रांड है, तो उसके जितने और इंडियन ब्रांड के साथ साथ उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं ब्लू हेवन के शिमर पाउड्स की। तो ये जो शिमर पाउड्स हैं, यहाँ पर इस पर मेंशन किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग है इसकी 4/2017 एंड यूज बिफोर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से इसका टाइम बहुत ही है, 5 ईयर्स तो काफ़ी इनफ टाइम है गाइज इसको फिनिश करने के लिए। एंड देन इसका प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंशन किया है ₹40, बट ये मैंने ब्लू हेवन की साइट से डायरेक्ट मंगवाई है, तो ये मुझे मिली है ओनली इन ₹35। तो ₹35 में ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। और ये मैंने 4 कलर्स मंगाए हैं, 2 कलर्स ये मेरे एक जैसे हैं, और ये है मेरा कॉपरी शेड, ये ब्रॉन्जी, ये एक ग्रीनिश शेड है, एंड ये पिंक और पर्पलिश शेड है ये। तो चलिए देखते हैं हम लोग इन्हें ओपन करके। तो ये देखिए गाइस, ये इस तरीके से ओपन होती है, उसके बाद ये इसका एक छोटू सा एप्लीकेटर दिया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छे से काम करेगा, बट आप और ब्रशेस से इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और ये किसके ऊपर कैप दी हुई है ताकि ये जो शिमर है ये बिखरे नहीं, तो मैं इस कैप को एक साइड रख देती हूँ। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मैं आपको इसका एक स्वैच करके दिखाती हूँ। वाओ, ये देखिए गाइस, तो ये है हमारा पर्पलिश शेड। चलिए इसके और शेड्स देखते हैं। अब गाइस ये हम ओपन करेंगे अपना ब्रॉन्जी शेड, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है, ये ओपन हो गया है। ये है इसका एप्लीकेटर और ये मैं इसे ओपन करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, इसे मैंने ओपन कर लिया है, ये है हमारा ब्रॉन्जी शेड। इसका स्वैच मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा शेड है ये। तो ये है गाइस हमारा ब्रॉन्जी शेड, देखिए कितने प्यारे प्यारे शेड्स हैं ये। तो चलिए मैं इसे बंद कर देती हूँ और अब ट्राई करते हैं हम अपना 4th शेड। फोर्थ शेड है हमारा ये ग्रीनिश शेड, बहुत ही आराम से खोलने का है वरना ये बिखर भी सकते हैं। इसका ढक्कन प्यार से खोलें और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ग्रेनिश शेड है ये। अब हम इसे ट्राई करते हैं, वाओ दैट्स सो प्रिटी। ये देखिए गाइस, तो ये है हमारा ग्रेनिश शेड। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी पैकेजिंग है, क्यूट से ये छोटे छोटे पाउड्स हैं। और जब आप लोग सर्च करेंगे इनके लिए तो मैं आप लोगों को बता दूं और बहुत सारे शेड्स हैं इनके ब्लू हेवन की साइट पर आप लोग देख सकते हैं, या कहीं भी और भी बहुत सारी साइट्स में सब जगह ये इजीली अवेलेबल हैं। ब्लू हेवन का यही है कि मिल आपको बहुत ही आसानी से जाते हैं इसके प्रोडक्ट्स, चाहे आप इनको ऑनलाइन ले सकते हैं और चाहे तो आप आपके घर के आसपास जो भी कोई स्टोर हो आप लोग इसे वहां से भी ले सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो,
पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।